नाज़रीन आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपना खसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया में बेहद मकबूल है और फुटबॉल की जो आलमी तंजीम है फीफा, वो निगरानी करती है पूरी दुनिया में फुटबॉल की। और जाहिर सी बात है, फीफा एक बहुत बड़ा अदारा है खेलकूद की अगर बात की जाए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने बड़े खेल अदारे पर भी कई तरह के इल्जाम लगे हैं। फीफा पर हाल ही में इल्जाम लगा है, अमेरिका की एक तफ्तीशी एजेंसी ने यह इल्जाम लगाया है कि फीफा के जो अहदेदारान हैं वो किसी भी मुल्क को जब वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी जाती है तो उसमें रिश्वत लिए जाते हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपए के खुर्द बुर्द का भी इल्जाम है, जिसकी करेंसी जो है डॉलर में, यूएस डॉलर में नापी गई है। और इस तरह की और भी बहुत सारी ऐसी बदउनवानियां हैं जो कि खुलकर सामने आई हैं। लेकिन इसके बावजूद हैरत की बात यह है कि इन इल्जाम का इंकशाफ होने के फौरन बाद जब फीफा के अहदेदारान, फीफा के चेयरमैन का, सदर का जब इंतखाब हुआ तो ब्लेटर एक मरतबा फिर अक्सरियत के साथ कामयाब हुए। हालांकि 73 ऐसे रुकन ममालिक थे जो वोट थे जो उनके खिलाफ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई असर नहीं पड़ा और 79 साल ब्लेटर लगातार पांचवीं मरतबा फीफा के सदर बन गए। पूरी दुनिया इस बात में हैरत में है कि जिस इदारे के खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम लगा है, आखिरकार फिर से उसे उसके सरबराह को फिर से क्यों मुंतखब कर लिया गया। बात सिर्फ इल्जाम तक महदूद नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो वाइस प्रेसिडेंट समेत तकरीबन 6 अहदेदारान और दीगर लोगों की अगर बात की जाए तो कुल 14 लोगों के खिलाफ इल्जाम तय किए गए हैं और इन्हें चार्जशीटेड भी किया गया है। मामला बहुत ही ज्यादा तश्वीशनाक है। हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे इन मौजूदात पर और प्रोग्राम के पहले हिस्से में फीफा पर बात करेंगे, फीफा की बदउनवानी और ब्लेटर की शानदार कामयाबी पर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब हम आपके सामने आएंगे तो हम बात रखेंगे आप सामने कि किस प्रकार से बीसीसीआई तजज्जुब का शिकार है कि किस तरह से किसे टीम इंडिया का नया कोच मुंतखब किया जाए। कभी रवि शास्त्री को आगे बढ़ाने की बात होती है तो कभी सौरव गांगुली की बात होती है, और इन दोनों का मुवाजना जब किया जाता है तो दोनों के बारे में यह कहा जाता है कि दोनों में बहुत ज्यादा एग्रेशन है, जिससे बीसीसीआई के कुछ अहदेदारान को परेशानी भी हो सकती है। और इन दोनों के बीच एक नया नाम फिर से गैरी क्रिस्टन का आ रहा है, जो कि काफी अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं और खामोशी के साथ पर्दे के पीछे रहकर बेहतरीन तरीके से टीम की हिकमत अमली बनाने के लिए गैरी क्रिस्टन जाने जाते हैं। तो क्या सौरभ गांगुली या रवि शास्त्री में से कोई एक बनेगा या फिर गैरी क्रिस्टन को फिर से टीम इंडिया का कोच बनाया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इन दोनों मौजूदात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब हम फीफा और ब्लेटर की बात करेंगे तो फुटबॉल के साबिक ओलंपियन शाहिद हकीम साहब से हम बात करेंगे फोनलाइन पर, और फोनलाइन पर हमारे साथ एक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इशाउद्दीन भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। बदउनवानी के इल्जाम से घिरी फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने सेप ब्लैटर को पांचवी मरतबा तंजीम का सदर मुंतखब कर लिया है। सेप ब्लैटर के हरीफ अली इब्नुल हुसैन वोटिंग के दूसरे दौर से दस्तबरदार हो गए। फीफा के 209 में से 133 सरकार ने ब्लैटर को वोट दिया, जबकि 73 वोट इब्नुल हुसैन को मिले हैं। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में जुमे को हुए इस तंजीम के इंतखाबात में पहले मरहले में दोनों उम्मीदवारों में से कोई दो तिहाई अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सका था, जिसके बिना पर दूसरे मरहले की वोटिंग की गई। फीफा के सदर का इंतखाब ऐसे वक्त में हुआ है जब फीफा के दो नायब सदर समेत 7 अहदेदारों को अमरीका में जारी फ्रॉड और बदउनवानी की तहकीकात के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। अमरीकी हुकाम ने अब तक इस सिलसिले में 14 अफराद पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधही और कमीशन लेने के इल्जाम के तहत फर्द जुर्मायत की है। जीत के बाद हालांकि ब्लैटर ने उन्हें वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपियन ममालिक ने जो उनके साथ किया है उसे वो भूलेंगे नहीं, और एक तरह से उन्होंने कहा है कि इसका इंतकाम भी लिया जाएगा क्योंकि यूरोप के ममालिक ने जो वोट हुआ है उसमें उनके खिलाफ वोटिंग की थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, और फोन लाइन पर साबिक ओलंपियन शाहिद हकीम और
मोहम्मद इशाउद्दीन भी जुड़ चुके हैं और हम आपको एक बताते हैं कि फीफा के कई अफसरान पर हम आपको एक बार फिर बता दें कि बदनवानी के इल्जाम लगे हैं। 6 अफसरान को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में गिरफ्तार भी किया गया और दूसरी तरफ अमेरिका में तमाम फीफा अफसरान पर $150 मिलियन से ज्यादा की खुर्दबुर्द का इल्जाम तय किया गया है। न्यूयॉर्क में जस्टिस डिपार्टमेंट ने यानी कि महकमा इंसाफ ने 47 मामलों में 14 लोगों को जांच के घेरे में लिया है, लेकिन फिर भी 5वीं मरतबा ब्लेटर सत्र बन जाते हैं। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, इतना बड़ा मामला है, फीफा फुटबॉल की आलमी निगरान तंजीम है, इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है, समाना जा रहा था कि शायद 5वीं मरतबा ब्लेटर को मौका न मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक मरतबा फिर वो कुर्सी उनकी बरकरार है। शराब साहब, इसमें खेल के पीछे अब सियासत हावी हो रही है। मेन मकसद ये है कि देखिए 2010 में जब कतर को 2022 के लिए और 2018 में रूस को मेजबानी दी गई वर्ल्ड कप के लिए, उस वक्त से ये इस चीज का आगाज शुरू हुआ था जो अब ये इंक्वायरी और करप्शन के चार्जेस थे। इसको आहिस्ता आहिस्ता FBI इसकी इंक्वायरी कर रही थी, लेकिन अचानक इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस से पहले इन इल्जाम का सामने आने का एक बहुत बड़ा मकसद जो था वो रूस की और अमरीका की सर्व जंग है। देखिए, रूस ने उस वक्त मेजबानी का शर्फ हासिल किया था 2010 में, उस वक्त हालात कुछ और थे। अब रूस का क्रीमिया पे कब्जा हो चुका है, वो यूक्रेन में उसके जो रोल प्ले हो रहा है उसकी वजह से अमेरिका परेशान है और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इन हालात में रशिया में खेलने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वहां पर नाक की यानी पूरी तरह से सियासत भी इसमें बिल्कुल सियासी। लेकिन जिस तरह के इल्जाम लगाए हैं, जिस तरह से चार्जशीटेड किया गया है, अमरीका की एक बड़ी तफ्तीशी एजेंसी है, तो लेकिन कुछ ना कुछ मामला तो जरूर होगा। करप्शन शबाब साहब हर जगह है जी, करप्शन यहां भी है, लेकिन सवाल ये है कि वो करप्शन जो आपके जो कंपनीज वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रही है, सब कंपनी जो US की है, तो देखिए कोई उसे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी कोई ये नहीं कह सकता फीफा से कि हम आपके इस करप्शन के चार्जेस की वजह से हम स्पॉन्सरशिप वापस ले रहे हैं, हट रहे हैं। सब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसको इमेज साफ किया जाए, ये किया जाए, लेकिन हर आदमी जानता है कि इसके पीछे पूरा एक सियासी खेल है और इसके पीछे एक साजिश भी हो सकती है। इल्जाम हालांकि तय किए गए हैं, चार्जशीटेड भी किया गया है। हम बात करते हैं शाहिद हकीम साहब से। हिन्दुस्तान के लिए ओलंपिक में न सिर्फ ये नुमाइंदगी की है बल्कि कप्तानी भी कर चुके हैं और बेहतरीन रेफरी के तौर पर उनकी शनाख्त रही है। किस तरह से शाहिद हकीम साहब देखते हैं फीफा के ये मामला, मंसूरुद्दीन फरीदी साहब एक साजिश के तौर पर देख रहे हैं? जी शाहिद हकीम साहब, इशाउद्दीन भी हमारे साथ हैं। इशाउद्दीन, क्या ये एक सियासी साजिश है या सही मानों में इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है, क्योंकि 2018 और 2022 की जो मेजबानी सौंपी गई है जिस तरह से, उस पर तो सवाल पहले भी उठते रहे हैं? जी बिल्कुल, सवाल तो पहले भी उठ रहे हैं और फीफा और अन्य जितने भी खेल फेडरेशन है उस सब में सब कहीं ना कहीं जो है पैसे का लेन देन होता रहा है। लेकिन जिस तरह से फीफा के कांग्रेस के समय जो है अमेरिका ने ये सब बातें उठाई और इस तरह का मामला सामने आया, और तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सियासी बात है। और जैसे फरीदी साहब ने बिल्कुल बताया कि ये रूस और अमेरिका के बीच फुटबॉल की जंग ना होकर राजनीति की जंग है, और बिल्कुल ये सही बात है। और जिस तरह से घटनाचक्र अब बढ़ रहा है लगातार, अमेरिका ये प्रेशर बना रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ये चाहता है कि रशिया को जो मिला है या फिर एशिया में यह विश्व कप आया है तो वो चाहता है कि किसी न किसी फीफा पर जो है बदला लिया जाए। तो हमें ये लगता है कि अब ये बिल्कुल सियासी जंग के रूप में आ गया है। लेकिन इसके बावजूद ब्लेटर की जिस तरह से फिर से 5वीं बार वो अध्यक्ष बने हैं और जितना अंतर आया है वोटिंग में, इससे साफ जाहिर होता है कि अभी भी लोग चाहते हैं कि ब्लेटर जो है वो फीफा के अध्यक्ष बने रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फीफा में कुछ गुंजाइश तो है इधर उधर की, लेकिन बहुत कुछ ठीक ठाक भी है जिस तरह की वोटिंग हुई है। सवाल, ब्लेटर की मकबूलियत अपनी जगह बरकरार है। शाहिद हकीम साहब, फॉर्मर ओलंपियन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फुटबॉल के। शाहिद साहब, हमारे दोनों एक्सपर्ट इशाउद्दीन और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि रूस को मेजबानी मिली इसलिए इसका एक सियासी जंग के तौर पर, सियासी इंतकाम के तौर पर अमेरिका इस तरह की जो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि फीफा में सब कुछ ठीक है? देखिए, अमेरिका सारी दुनिया में हर साजिश में मुलविस है जी। अमेरिका का ये है, मैं समझता हूँ ये जाम है कि हम दुनिया के सबसे बड़े पावर हैं, जहां जाए तो हमारी मर्जी वो चले। आज तक कभी फीफा पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा फीफा पर, अगर थोड़ा सा भी है तो बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया के सबसे मशहूर खेल कतर को मेजबानी देने के सिलसिले में बताया था कि वहां के अमीर से पैसे लिए गए हैं, ये बात पहले भी आती रही है। देखिए, मगर उसका कोई सबूत नहीं था। अगर ऐसा है तो बड़े अफसोस की बात है कि फुटबॉल में कभी ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती थी, और अगर ऐसा हो रहा तो
इतना अच्छा खेल और जो पसंदीदा खेल मैं समझता हूँ इससे बेहतर खेल दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। 200 कंट्री के ज्यादा इसके मेंबर हैं और अभी इलेक्शन हुआ आपने भी देखा होगा, अगर ऐसा हुआ तो बड़े अफसोस की बात है। वरना अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, अमेरिका से जो न्यूज आती है वो सारी जो है ज्यूविश न्यूज है, उनका कितना फसाद करना उनका मकसद ही है। तो किस हद तक अब ये देखेंगे कि इंक्वायरी होगी उसमें साबित होगा कि किस हद तक सही है। लेकिन चार्जशीटेड भी किया गया है मंसूर साहब, ये एक अहम बात है और जिस तरह से सब लोग ये बता रहे हैं और इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इंतकामी जज्बे के तहत इस तरह की कार्रवाई की गई है। लेकिन फीफा के खास तौर से ब्लेटर को अपनी सफाई पेश करनी होगी, उनके उहदेदारान जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है उनको ये सफाई देनी होगी कि वो पूरी तरह से मतलब नीट एंड क्लीन है, क्योंकि मेजबानी के सिलसिले में लेन देन की खबरें तो पहले भी आ चुकी हैं। बड़े बड़े बदनामी के इल्जाम लग चुके हैं और मामला कोर्ट में जा चुके हैं। अगर ब्लेटर का मामला भी अमरीका किसी कोर्ट में जाता है तो 20 साल लग जाएंगे उनको साबित करने में। इस सिलसिले में देखिए सबसे बड़ी खूबी ये थी ब्लेटर की, उन्होंने अफ्रीका और एशिया के गरीब मुल्कों में फुटबॉल पे जो उन्होंने खर्च किया, जो जिन्होंने प्रमोशन के लिए, वो बहुत बड़ा रोल था उनका। और आज जो उनकी ताकत है वो अफ्रीका और एशियाई कंट्रीज ही हैं जिनकी वजह से वो आज बच गए, एक बहुत बड़ा पहलू है। और दूसरी चीज ये कि अब जो तनाजा शुरू हुआ है, अब जो झगड़ा शुरू हुआ है, इसका नुकसान आने वाले दिनों में आएगा, क्योंकि अब अगर ये चीज लड़ाई आगे बढ़ती है तो आज अगर यूरोपियन कंट्रीज अमरीका के इशारे में कह रहे हैं कि हम 2018 में मॉस्को वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लें, मैं भी उसका बायकॉट कर सकते हैं। तो क्या एक अच्छा मौका था अली अब्दुल हुसैन के लिए सदर बनने का जो कि हाथ से जाता रहा, क्या कोई उम्मीद बाकी रह गई थी इस इल्जाम के बाद, या किसी तरीके से अमरीका उनकी एक तरह से पुष्पनाही कर रहा है या फिर उनकी मदद कर रहा है? शबाब साहब एक चीज देखिएगा, ब्लैटर के अंदर बेइंतहा खुदएतमादी थी, उनको मालूम था कि वही जीतेंगे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस जो था वो उनके कांग्रेस से पहले उनका मालूम था उनको कि मेरी प्रेसिडेंटशिप कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि उनके इतना स्ट्रांग काम उन्होंने किया है खासतौर से अफ्रीका और एशिया गरीब मुल्कों में, और उन्होंने इतना प्रमोट किया है कि सारे मेंबर्स उनके अटैच हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 70 आएंगे तो ये दूध से धुले हुए होंगे या ये उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जिससे ब्लैटर चल रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी चलती रहेंगी, इल्जाम चलते रहेंगे, मसला ये साबित करना कि आप साबित कर दीजिए उसको। बिल्कुल। और शाहिद हकीम साहब, अब क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा ब्लैटर का, क्योंकि यूरोपीय ममालिक से काफी नाराज नजर आए, उनका बयान आ चुका है। मैं समझता हूँ ब्लैटर साहब को खुद ही हट जाना चाहिए था, काफी दिनों रह गए, सिक्योरिटी भी थे, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बन गए, उम्र भी हो चुकी है, उनको किसी और को मौका देना चाहिए था, क्योंकि इतने अच्छे खेल के। बिल्कुल सही कहा, 1995 से वो फीफा से जुड़े हुए हैं, 1996 से लगातार उसके प्रेसिडेंट है, 79 साल उम्र हो चुकी है। काम किया उन्होंने, सिक्योरिटी बहुत अच्छा काम किया, प्रेसिडेंट भी किया, लेकिन अब जो है जिस साल में है मौसम तो काफी लोग नाराज रहे, लेकिन फिर भी उनको शायद साउथ अमेरिका एशिया से काफी सपोर्ट मिला उनको, तभी तो जीत सके। लेकिन जैसा कि फरीदी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है फुटबॉल को मकबूल बनाने में और खास तौर से एशिया और अफ्रीका के जो गरीब ममालिक है वहां तक फुटबॉल को पहुंचाने में उनका अहम किरदार रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब बहुत ज्यादा उनकी सदारत में काम हुआ, अब किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए? मोहम्मद इशाउद्दीन, हमारे मुल्क में हिंदुस्तान में अक्सर इल्जाम लगता रहा है कि मुख्तलिफ खेल तंजीमों स्पोर्ट्स फेडरेशन में लोग काफी दिनों से बैठे हुए हैं, क्या ये इल्जाम इस वक्त ब्लैटर पर भी लग सकता है, क्या उन्हें अब छोड़ देना चाहिए होता, 79 साल की उम्र हो गई है उनकी? देखिए शोब, जो हिंदुस्तान में जो बातें होती रहती हैं कि बड़ी उम्र के जो है या काफी दिनों से खेल जो है खेल के एसोसिएशन या फेडरेशन में जो बैठे रहते हैं अध्यक्ष है उसके अधिकारी लोग, लेकिन जो 20 वर्ष स्तर पर जितने भी खेल संगठन है उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप तीन बार रह सकें या 80 साल की उम्र हो। बात असल यह है कि काम ज्यादा होना चाहिए। अब अगर नेता पूरे देश को 80 साल का उम्र का आदमी चला सकता है देश को, तो एक फीफा या ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष जो ज्यादा उम्र का हो या 3-4 टर्म का अध्यक्ष पद पर रह चुका हो तो वो क्यों नहीं चला सकता? असल यह है कि खेल को जो है किस तरह बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये मुद्दा है। अगर ब्लैटर जो है फीफा के माध्यम से पूरे विश्व में फुटबॉल को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें लगता है कि कोई हर्ज नहीं है। हाँ ये जरूर बात है कि अगर उनका शरीर जो है काम करने से थोड़ा दिक्कत होने लगी तो जरूर वो अपने टर्म को दूसरे को सौंप सकते हैं, लेकिन ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनका शरीर किस तरह काम दे रहा है। फिलहाल तो ये लग रहा है कि वो फुटबॉल को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से एशिया और अफ्रीका महादेशों में जो है
फुटबॉल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है और ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है पूरे विश्व फेडरेशन में, न केवल फीफा में बल्कि ओलंपिक कमेटी में और तमाम जो है एथलेटिक्स और जितने भी अलग अलग फेडरेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने इशाउद्दीन, उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो तरीकाकार है उसकी वजह कर उनकी मकबूलियत है। और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब ये कह रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने फुटबॉल का फ्रोक दिया है यही वजह है कि उनकी मकबूलियत अभी भी बरकरार है और काफी कॉन्फिडेंट थे कि एक मरतबा प्रेसिडेंट बनेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मंसूर साहब आपको हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह के इल्जाम फीफा पर लगे हैं किस तरह से फीफा के जो अहदेदार हैं जिन पर यह इल्जाम लगा है वो अपना दिफा कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई है और 73 वोट कम मिले हैं ब्लेटर को, ये भी इसकी एक वजह बनी है। शवाब साहब देखिए फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में वही कंपनीज होती हैं जो बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं और उनके, और दूसरी चीज ये है कि फीफा एज एक चैरिटी अदारे के तौर पे रजिस्टर्ड है, कोई कमर्शियल उसका यूज नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ सकती या अमेरिका नहीं ला सकता, एफबीआई नहीं ला सकता। और सबसे अहम चीज यह है कि अमेरिका की कही भी हर बात को हम नहीं मान सकते कि वो सही है, क्योंकि आज माजी में ऐसे सैकड़ों मिसालें सामने पड़ी हुई हैं जो उन्होंने कहा कुछ बाद में साबित कुछ हुआ, तो सिर्फ एफबीआई की रिपोर्ट के ऊपर हम ये मान लें कि ये सारे इल्जाम सही है ये कहना ये जायज नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप यूएस के कोर्ट में इनको ले भी जाते हैं तो ये इल्जाम साबित नहीं हो सकते जल्दी, तो ये इल्जाम साबित नहीं हो सकते, इसमें काफी वक्त लगेगा। और एक अच्छी बात यह है कि ब्लेटर को फिर से सदर चुन लिया गया है और ये इस बात की निशानदेही करता है कि जो जितने भी फीफा के रुकन ममालिक हैं वो ब्लेटर पर अभी भी पूरी तरह से इत्माद करते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया स्पोर्ट्स राउंडअप में और हम यहां पर शाहिद हकीम साहब का शुक्रिया अदा करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए। मोहम्मद इशाउद्दीन हमारे साथ ऑनलाइन पर बरकरार रहेंगे। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि बीसीसीआई को जो नए कोच की तलाश है आखिर कौन सी ऐसी परेशानी है जिस पर फैसला नहीं लिया जा सका। स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मंसूरुद्दीन फरीदी। लेते हैं ब्रेक। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल। वक्त के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। स्टूडियो में मौजूद हैं मंसूरुद्दीन फरीदी साहब और ऑनलाइन पर हमारे साथ होंगे मोहम्मद इशाउद्दीन। हिंदुस्तानी टीम का कोच यानी कि क्रिकेट का कोच कैसा हो, सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ जैसा हाई प्रोफाइल हो या फिर गैरी क्रिस्टन जैसा खामोशी से काम करने वाला शख्स। बीसीसीआई के अफसरान हिंदुस्तानी टीम के नए कोच को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तजज्जुब बरकरार है जिसकी वजह कर अटकलें और भी तेज हो गई हैं। वैसे जानकारों में कोच के ओहदे को लेकर आपस में इत्तेफाक नहीं नजर आ रहा है, यह भी खबर है। सुनील गावस्कर और ब्रेटली जैसे जो माहरीन हैं उन्होंने सौरव गांगुली को सही च्वाइस बताया है, जबकि साबिक कप्तान और अजीम ऑलराउंडर कपिल देव की राय कुछ अलग है। खुद हिंदुस्तानी टीम के कोच रह चुके कपिल देव किसी हाई प्रोफाइल साबिक खिलाड़ी को कोच के ओहदे के लिए नहीं चुने जाने की वकालत करते हैं। कपिल के मुताबिक सुपरस्टार खिलाड़ियों से सजी हिंदुस्तानी टीम को किसी हाई प्रोफाइल कोच की नहीं बल्कि मैनेजर की जरूरत है जो मैनेजमेंट में माहिर हो। कपिल देव शायद बतौर कोच अपने तजुर्बे से बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो कोच थे तब उनके और कप्तान सचिन तेंदुलकर के बीच अनबनियन के नाइतफाकी की खबरें गायी थी जिसका असर टीम की कारकर्दगी पर साफ तौर पर नजर आया। जहां तक सौरव गांगुली का सवाल है बीसीसीआई में ही उनको लेकर ना इत्तेफाकी है। जराए की ओर माने तो गांगुली ने 4 साल के मुद्दते कार की मांग रखी है जबकि रवि शास्त्री कम से कम 1.5 साल का वक्त चाहते हैं, लेकिन बोर्ड के जो अहदेदारान हैं 4 साल के फिक्स टेन्योर के हक में बिल्कुल नहीं है, जबकि रवि शास्त्री और सौरव गांगुली की जारहाना मिजाज की वजह से भी कई बोर्ड के अफसरान उन्हें नहीं चाहते। लिहाजा ऐसा समझा जा रहा है कि बीसीसीआई ने हिंदुस्तानी टीम के साबिक कोच गैरी क्रिस्टन से भी राब्ता किया होगा। 2008 से 2011 के बीच हिंदुस्तानी टीम के कोच रहे गैरी क्रिस्टन पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं और जिनके धोनी और कोहली दोनों से अच्छे ताल्लुकात भी हैं। क्या लगता है आपको मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, फैसला नहीं हो पा रहा है? आपने रिपोर्ट अभी सुनी कि किस तरह से चाहे सौरव गांगुली और रवि शास्त्री हो दोनों के सिलसिले में पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं है और हो सकता है एक मरतबा फिर गैरी क्रिस्टन को कोच बनाया जाए। शबाब साहब देखिए ये मामला जो है वो इंडियन क्रिकेट के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया है जी। उसकी एक वजह यह है कि एक तरफ शास्त्री का 18 महीने की शर्त रखना और एक तरफ सौरव का 4 साल की,
ये एक ऐसी उलझन है जो क्रिकेट बोर्ड को मेरे ख्याल में परेशान कर रही है, और इसलिए कहा जा रहा है कि शायद तीसरी पसंद जो हो वो फॉरेन कोच हो गई, और उसमें भी गैरी क्रिस्टन ही मेरे ख्याल में बेहतर होंगे। लेकिन अभी जब तक डालमिया है, डालमिया हो के रहते हुए मेरे ख्याल में अभी सौरभ को नजरअंदाज करना उतना आसान नहीं है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसी बीच साबिक कप्तान सुनील गावस्कर ने इस सिलसिले में एक स्टेटमेंट दिया है, और हम चाहेंगे कि हम नाज़रीन को सुनाएं कि सुनील गावस्कर ने क्या कहा है। Being a coach at the junior level, when you're getting up in your career, that is when, you know, when you, there are technical faults and stuff like that. But at the highest level, I think it's more a requirement of somebody who's going to be able to, you know, put his arm around you and, you know, generally tell you, oh, this is the way to do it, this is how, you know, these are the things to avoid, these things. So that is what would be great. इशाउद्दीन, जैसा कि मंसूरुद्दीन फरीदी साहब बिल्कुल वजह कह रहे हैं कि अगर जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के सदर हैं तो ज्यादा चांस सौरभ गांगुली का है, लेकिन गैरी क्रिस्टन की भी खबरें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि गैरी क्रिस्टन चूंकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, बहुत खामोशी के साथ काम करते हैं, और उनकी पिछली जो परफॉर्मेंस है वो टीम इंडिया की अच्छी रही थी, तो क्या अगर शास्त्री और गांगुली का मामला नहीं बन पाता है तो गैरी क्रिस्टन का कुछ चांस नजर आ रहा है? आप कई बातें हैं स्वभाव इसमें। पहली बात तो ये कि गैरी क्रिस्टन जो है जब पिछली बार जो है कोच थे और उन्होंने छोड़ा था कोच पद, तो उन्होंने कहा था कि अब वो कोच नहीं बनना चाहते क्योंकि वो ज्यादा समय अपना परिवार को देना चाहते। तो पहली बात ये कि गैरी क्रिस्टन जो है तैयार होते हैं कि नहीं ये बात देखनी है। दूसरी बात यह कि एग्रेशन अगर चाहिए एक कोच के रूप में किसी को, तो भारतीय खिलाड़ियों के लिए किसी एग्रेसिव कोच की जरूरत हमें नहीं लगता है कि कोच की जरूरत है, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले भी कि जब ग्रेग चैपल कप्तान टीम इंडिया के कोच, तो हमारी टीम की क्या हालत हो गई थी। अगर फिर से कोई नया इस तरह का कोई एग्रेसिव कोच हमारे टीम में आ जाए तो हो सकता है वो टीम की स्थिति पहले की तरह ही हो जाए और आज जो बढ़िया चल रहा है परफॉर्मेंस टीम का वो खराब हो जाए। दूसरी बात ये कि धोनी ओडीआई के कप्तान है, विराट कोहली को माना जा रहा है कि वो टेस्ट कप्तान बने रहेंगे। ऐसी सूरत में दो तरह के कप्तान को कोई एक कोच जो है किस तरह संभाल पाएगा, ये सबसे बड़ी उलझन है बीसीसीआई के लिए। एक और तीसरा जने जो हम ये समझ रहे हैं कि आज जब श्रीनिवासन की पकड़ जो है बीसीसीआई पे कमजोर पड़ रही है, तो डालमिया और अनुराग ठाकुर दो ध्रुव के होने के बावजूद एक साथ मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर इस तरह का पकड़ा है कि डालमिया जो भी फैसला डालमिया तो सौरभ गांगुली के फेवर में ही फैसला करेंगे, लेकिन रवि शास्त्री का भी कद कोई छोटा नहीं है, उतनी जल्दी से वो हटने वाले नहीं है, ये भी तो सही है। बिल्कुल यही बात है, वही मैं कह रहा हूँ कि शास्त्री जो है जिन्होंने शर्तों के साथ कहा है कि वो इतने कम समय से पहले तैयार नहीं होंगे, लेकिन डालमिया के साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि अनुराग ठाकुर की क्या चाहत है। अनुराग ठाकुर खुलकर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें मिला जुला कर कह रहे हैं कि भाई ये भी हो सकता है, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के माहौल में जैसे कि गावस्कर ने कहा कि हमें एक सीनियर कोच की जरूरत नहीं है, एक सलाहकार टीम में होनी चाहिए, तो ऐसा कोच हो जो टीम को संभाल सके, डिक्टेट ना करे। अगर डिक्टेट करने की स्थिति वाले कोच हमारे पास रहेंगे तो जाहिर सी बात है टीम का परफॉर्मेंस खराब। और जो अच्छे खिलाड़ी है क्रिकेट में आमतौर पर कोच से उनकी अनबनी हो जाती है, आपने कपिल देव के जमाने में हो चुका है। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, डिक्टेटर नहीं चाहिए, एक सलाहकार चाहिए, बहुत अच्छी बात गावस्कर ने कही है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से जिस तरह से देखा था गैरी क्रिस्टन ने किया था, काफी अच्छा बॉडी लैंग्वेज उनका हुआ करता था, खिलाड़ियों का दोस्त होकर के रहे, और सबसे बड़ी चीज यह है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं हो। कई मरतबा जब गैर मुल्की कोच आते हैं तो वो समझा नहीं पाते हैं खिलाड़ियों को, खिलाड़ी समझ नहीं पाते, नए बच्चे जो है उनकी अंग्रेजी उतनी मजबूत नहीं होती है जो फ्रेंचाइजी इंग्लिश को वो समझ पाए, बहुत सारी बातें हैं जिस तरह इशाउद्दीन ने इशारा किया। आपको क्या लगता है कि एक देसी कोच होना चाहिए, और अगर देसी कोच में से रवि शास्त्री और फिर सौरभ गांगुली में से किसी का इंतखाब अगर करना पड़े आपको, तो आप किसका इंतखाब करेंगे? शबाब साहब, देखिए अगर दोनों में से एक की बात करें तो मेरा सौरभ गांगुली की तरफ वोट जाएगा, लेकिन देखिए जो बात कपिल देव ने इशारे में कही, उन्होंने एक बात कही और उस पूरी बात उन्होंने बयान कर दी है, उसमें ये कह दिया है कि जैसे कोई सीनियर कोच अगर आप लागते हैं किसी टीम के ऊपर देते हैं थोपते हैं, अगर उसका ईगो क्लैश शुरू हो जाता है, जैसा कि कपिल देव टीम का नेचर देख रहे हैं सामने उनके हैं कि विराट कोहली भी हैं और आपने धोनी भी हैं, तो इन इस दर्जे के खिलाड़ियों के साथ
अगर किसी खिलाड़ी का जो एज ए कोच सामने आया है अगर टकराव शुरू हो जाता है तो वो टीम को बजाय ऊपर ले जाने के नीचे ले आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सौरभ को इस नजरिए से हम सौरभ को हटा दें, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये बात गलत साबित हो जाए, हो सकता है सौरभ के साथ अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी हो जाए। तो मेरे ख्याल में एक बात मोहम्मद इशाउद्दीन साहब ने बहुत अच्छी कही है कि टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान है और दोनों को डील करना, दोनों का मिजाज अलग है, दोनों के नजरियात अलग है। ठीक उसी तरह जिस तरह से डालमिया और फिर सेक्रेटरी के अलग अलग नजरियात है लेकिन फिर भी मिलकर काम कर रहे हैं, तो इन दोनों का पूरी टीम को मुत्तहिद करना एक बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है इशाउद्दीन की टीम को एकजुट कर पाना ये सबसे बड़ा काम होगा अगर कोई भी कोच आता है या फिर टीम मैनेजमेंट? देखिए हमारे खिलाड़ी जो क्रिकेट में आजकल है कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्रिकेट जो खिलाड़ी जो है खेल चुके होते हैं वो सब कुछ जानते हैं, उनमें ज्यादा बदलाव करने के लिए किसी कोच की जरूरत नहीं। मैनेजर की जरूरत है, सलाहकार की जरूरत है। नहीं आप कोच ही बनाइए लेकिन उनको एक सीमा में रखिए, उनको बताइए कि हमें आप ज्यादा खिलाड़ियों को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है उनको, आप केवल जो है मोरल बूस्टअप कीजिए और बताइए राह कि इस तरह करना है, इस तरह करना है, ये सब बातें इस तरह की कोच की हमारे भारतीय टीम को जरूरत है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है बीसीसीआई को। हमें लगता है कि बीसीसीआई को जो है इसी मुद्दे पर अभी वो ज्यादा बीसीसीआई के लोग सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह की बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि जो न टीम के खिलाड़ियों से न कप्तान से टकरा हो न कोच से टकरा हो और टीम का जो है वो आगे का रास्ता जो है बिल्कुल ठीक ठाक चले। बिल्कुल सही बात है। और आप ड्रेसिंग इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम के काफी करीब रहते हैं अक्सर, आपको क्या लगता है कि दो फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान होने से किस तरह की परेशानी टीम मैनेजमेंट को होती है, खासतौर से अगर टीम मैनेजर और कोच की बात की जाए या फिर डायरेक्टर के तौर पर जो रवि शास्त्री हैं इस वक्त? नहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि रवि शास्त्री जो है पिछले 1.5 साल से जो रहे हैं टीम के साथ तो वो बहुत सारी चीजों को समझ चुके हैं भारतीय टीम में, लेकिन अगर रवि शास्त्री जो है विराट कोहली को अगर संभाल सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और धोनी को भी जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रवि शास्त्री जो है वो परफेक्ट हो सकते हैं लेकिन लेकिन हमें लगता है कि रवि शास्त्री भी थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा होते हैं और वो हो सकता है कि एक दो स्थल के बाद जो है वो परेशानी पैदा हो सकती है, मुझे ऐसा। चलिए काफी मुश्किल काम है बीसीसीआई के लिए अपने कोच को चुनने का क्योंकि दोनों तरफ बातें आ रही हैं और तीन नाम अभी तक सामने आ चुका है। और हालांकि पूरी उम्मीद इस बात की यह है कि जैसा कि शाहुद्दीन आपने बिल्कुल सही कहा कि गैरी क्रिस्टन पहले ही कह चुके थे कि उनके पास वक्त नहीं है, अपनी फैमिली को देने का वक्त है, लेकिन यह खबर जरूर आ रही है कि बीसीसीआई के अहदेदारान उससे भी रابطे में है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका प्रोग्राम से शामिल होने के लिए और बातचीत करने के लिए। वक्त खत्म हो चुका है मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, आखिर में बहुत ही मुख्तसर में हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीसीसीआई को किस तरह के कोच की वाकई जरूरत है टीम इंडिया को? नहीं देखिए जो दोस्त अभी आप जहां डिक्टेटरशिप की बात आप करते हैं ना वहां पर कोच वैसा हो जो दोस्ताना हो, जो गावस्कर जैसे कह रहे थे कि हम एक सलाहकार टाइप का जो दोस्ताना हो, जो हाथ में हाथ डाल के बात करे, जो प्यार से समझा दे, वही चलेगा। क्योंकि अगर आप चाहेंगे वो कोच जो बच्चों को ट्रेन करता है वो मिजाज उस मिजाज का कोच में, हम उम्मीद करते हैं कि बीसीसीआई इसी तरह के कोच का इंतखाब करेगा और जल्द ही टीम इंडिया को एक नया कोच मिल जाएगा। स्पोर्ट्स राउंड अप वक्त हो गया है यहां पर प्रोग्राम को खत्म करने का। हम नाज़रीन आपको याद दिला दें कि आप इस प्रोग्राम को और आलमी समय चैनल को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, इसके लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samay.com। और इसी साथ ही हम शुक्रिया अदा करते हैं स्टूडियो में आने के लिए मंसूरुद्दीन फरीदी साहब आपका भी। तो नाज़रीन इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हम आपको एक बार फिर बता दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं समय live.com पर लॉग इन करके। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।